नमस्कार दोस्तों, मैं जादूगर अभय साउथ गुजरात मैजिक एकेडमी की ओर से आज तारीख 25 मार्च 2020 को आज जो देश के हालात है, एक राक्षस समझो, एक महामारी समझो, कोरोना नामक महामारी से हम सब जूझ रहे हैं, हमारा हिंदुस्तान जूझ रहा है और उससे लड़ने की पूरी कोशिश चल रही है। उस कोशिश में हर भारतीय अपने घर पर रहकर उससे लड़े और जब तक ज़रूरी ना हो अपने घर से बाहर न निकले, बार बार साबुन से हाथ धोइए, अपने आप को सैनिटाइज कीजिए, चारों तरफ से अपने हाथों की सफाई रखें। ये सब मैसेज आपको ऑलरेडी मिल चुके हैं, लेकिन हम जादूगरों की ओर से, हम कलाकारों की ओर से हमारे भी कुछ फर्ज हैं। हम आभारी हैं मीडिया के, जिन्होंने एक एक मिनट सच्ची और सटीक खबरें दिखाकर लोगों को आगाह किया। हम आभारी हैं मेडिकल टीम के, हम आभारी हैं पुलिस टीम के, जो इस दुखद घड़ी में चौराहे पर, इस कड़कती धूप पर, सुबह से लेकर नाइट में भी पुलिस टीम जो आज कामगिरी अपनी कर रही है, हमने मीडिया में भी देखा, हमारे सोशल मीडिया में भी देखा कि अपनी फ़र्ज बखूबी निभा रही है। कहीं तो उन्होंने फूड पैकेट्स बांटे हैं, तो पुलिस हमेशा प्रजा के रक्षक रहे हैं, प्रजा के मित्र रहे हैं, हम उनके भी आभारी हैं। आज जो देश के हालात चल रहे हैं, कल ही हमारे माननीय वड़ा प्रधान श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने कहा 21 दिनों का लॉकडाउन, लेकिन ये 21 दिनों का जो लॉकडाउन हुआ है ये ज़रूरी है। पूरे विश्व से हमारा भारत थोड़ा अलग है, हर दुख की घड़ी में हम कंधे से कंधा मिलाकर हर मुसीबतों का हम सामना करते हैं और करते रहेंगे और एक दिन कामयाब भी होंगे, एक इतिहास बन जाएगा। इस कोरोना से लड़ने में हमारे हर भारतीय हर रूल को फॉलो करेंगे, सरकार के साथ खड़े रहेंगे, हमारे पीएम साहब के साथ खड़े रहेंगे। आज के जो हालात हैं, मुद्दा ये है कि जो रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, चाहे वो मजदूर है, चाहे वो कोई मेला चला रहा है, चाहे वो रोज़ डुगडुगी बजाकर मदारी का खेल कर रहा है, चाहे वो एक जादूगर है, हमारी परिस्थिति ऐसी आ चुकी है कि जब से पिछले 15 दिनों से हम कहीं ऐसे फंसे पड़े हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो अपना सामान लेकर बंद हालत में, पैसे ख़त्म हो चुके हैं, हमारे पास अनाज नहीं बचा है, छोटे छोटे बच्चों के साथ 15 दिनों पहले से ही हम लॉकडाउन हो चुके हैं, क्योंकि पब्लिक को इकट्ठा करना सरकार से ने जब से मना ही फरमा दी तब से हमने हमारे खेल बंद कर दिए हैं, तो हमारी रोजी रोटी वहीं से बंद हो गई है। 21 दिन का जब लॉकडाउन हुआ है तो हम सरकार के साथ हैं, हमारे खेल तब भी बंद रहेंगे, उसके 1-2 महीने बाद भी हम पब्लिक इकट्ठा नहीं कर पाएंगे, तो हमारे पास दूसरी कोई रोजी रोटी नहीं है। आज ही हमारे गुजरात के सीएम साहब ने बताया कि राशन कार्ड पे कहीं फ्री अनाज वगैरह दिया जाएगा, हमारे पास तो वो भी नहीं है, राशन कार्ड भी नहीं है, तो हम जिएंगे कैसे। तो दो हाथ जोड़ के विनती है, जो स्वैच्छिक संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आगे आए हैं जिन्होंने मजदूरों को हेल्प की है और बहुत सारे आएंगे। हम भारतीय हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हर हमें से एक दूसरे के दुख में हम साथ रहते हैं, चाहे वो बाढ़ हो, चाहे कुदरती कोई आफत, कोई भूकंप होता है, तो हर हमेशा। इस बार भी मैं आशा रखता हूँ कि ऐसी ही एकता बनाए रखे, लेकिन घर पर रहकर, कहीं हमें जाना नहीं है बाज़ार में, लॉकडाउन का पालन करें और हम जैसे कलाकारों को, हम जैसे बाकी जो मजदूर है जो दिन का रोज़ कमाता है, रोज़ खाता है, उनके परिवार का सोच के कुछ आगे आए, सरकार भी आगे आए, हमारे लिए आगे आए और कुछ हमें मदद मिले, जिससे हमें हमारा पेट चले, हमारे बच्चों के मुंह में निवाला जाए। ऐसी सरकार से विनती है, जो ऐसे जागरूक नागरिक है उनसे विनती है कि हम कलाकारों के लिए भी कुछ करें। बहुत सारे ऐसे जादूगर हैं, बहुत सारे ऐसे मदारी हैं,
और बहुत सारे ऐसे मेले सर्कस वाले हैं कि जो मैदान में बिल्कुल खुले में पड़े हैं, वो ना कहीं जा सकते हैं ना कहीं आ सकते हैं। हमारा घर वही है, मैदान में हम रहते हैं, एक गांव से दूसरे गांव जाकर अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, हमारे पास कोई दूसरा सहारा नहीं है। तो प्लीज़ इस दुख की घड़ी में आप हमारे साथ रहे। पूरी साउथ गुजरात मैजिक एकेडमी की ओर से आप सभी से निवेदन है कि बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं जो फंसे पड़े हैं, जिनके पास खाने के लिए अनाज नहीं है, पैसे नहीं है, तो स्थानीय प्रशासन, बहुत सारी ऐसी स्वैच्छिक संस्थाएं आगे आए और हमारी मदद करें, ऐसी आशा रखते हुए जय हिंद जय भारत।